हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड पर लगातार इसराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें आप मुसलसल देख रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर सोर्स से, हर तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए ताकि समझा जा सके कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमने आपको कल बताया था कि इसराइल एक के बदले में 10 फिलिस्तीनियों को छोड़ने के लिए तैयार है। खबर यह आई थी कि 40 इजरायली छोड़े जाएंगे और 400 फिलिस्तीनी छोड़े जाएंगे, लेकिन अभी कोई बात साफ साफ नजर नहीं आ रही। अभी इजरायली मीडिया में जो ताजा खबर है वो ये कि अनऑफिशियली, नाम ना बताते हुए, हमास के किसी जिम्मेदार ने इस प्रपोजल को एक तरह से रिजेक्ट किया है और कतर के प्राइम मिनिस्टर, जो इस बातचीत में काफी अहम बिचौलिया का रोल अदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त के खिलाफ एक तरह से दौड़ लग रही है, यानी वक्त हमारे हाथ में नहीं है। शायद उनका इशारा है कि 10 मार्च के आसपास से रमजान शुरू होने वाला है, उससे पहले ये जंग बंदी होनी चाहिए। हालात बहुत खराब हो सकते हैं रमजान में, ऐसे इशारे अब से पहले कई बार आ चुके हैं। आज इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हैं, जो न सिर्फ देश में रहते हुए पत्रकारिता की है बल्कि विदेशों में रिपोर्टिंग के लिए भी गए हैं और उसके अलावा कई जंगें भी कवर की हैं। जंग लड़ने वालों का साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, यानी किस तरह से होता है, कैसे फैसले लेते हैं, वो भी आपको बेहतर अंदाज है। आप इसराइल फिलिस्तीन का दौरा भी कई बार कर चुके हैं और हालात को वहां के भी काफी नजदीक से जानते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, आप बताइए कि ये जो ताजा खबर आ रही है इसराइल के ही सोर्सेज से जो आई है, वो ये कहती है कि हमास ने इस ताजा डील को, जिसके बारे में 4 मार्च से शुरू होने की बात, जंगबंदी शुरू होने की बात जो बाइडन कह चुके हैं, उसको उन्होंने एक तरह से जायनिस्ट डॉक्यूमेंट, जायोनी एक तरह से दस्तावेज बता करके रिजेक्ट कर दिया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है इस वक्त में, जबकि बहुत ही कम वक्त रह गया है रमजान शुरू होने पर? नहीं, अगर उस डॉक्यूमेंट को आप पूरा खुलासा करके देखेंगे तो 40 का 400 तो एक फॉर्मूला है, मगर जो उसके बाकी क्लॉजेज हैं वो तो शिकंजा गाजा पे रखना मांगते हैं, एक्सेस कंट्रोल टोटल मांगते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब हो जाता है कि वो तो खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रहने के लिए, नौकरी के लिए आपके टोटली कंट्रोल में है एक तरीके से। उनकी सॉवरेंटी के ऊपर, पैलेस्टिनियंस की सॉवरेंटी के ऊपर ओवरऑल, और गाजियंस की जो सॉवरेंटी है उसके ऊपर काफ़ी शिकंजा कसा जाता है, काफ़ी उसको रोका जाता है। और यहाँ पर लोगों को एक बार फिर दोबारा बताना पड़ेगा कि गाजा पैदा कैसे हुआ था। गाजा स्ट्रिप जो एलोंगेटेड है, ये नेचुरल स्ट्रिप नहीं है, कि इसमें 48 के बाद इसराइलियों का जो साजिश रही है और वेस्टर्न पावर्स के देखरेख में, उसके अंदर ये बना है, उसके अंदर स्क्वीज हुआ है। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजिप्ट है, जो किसी को आने ही नहीं देना मांगता। वो कहता हमारा 1 लाख कतर हो जाएगा, हम एक भी फिलिस्तीनी को नहीं लेना मांगेंगे। और ये वो 48 से कहता आ रहा है, कोई नई बात उसमें उसने नहीं कही है। चाहे उसका इसराइल से कोई रिश्ता रहा हो या जीत रही हो या हार रही हो, उसका अपना एक कहना है। उसके रहते हुए इसराइल ने इनको एक ही स्ट्रिप में फिक्स कर दिया है। द स्ट्रिप इटसेल्फ इज अ इरेशनल कॉन्सेप्ट। अभी आज नहीं तो कब, जब कभी शांति होगी तो इसमें भी बहस होगी कि स्ट्रिप क्यों है, कोई बॉर्डरलेस सीमलेस बाकी जगह से क्यों नहीं है। तो जब तक इसराइल कहता रहेगा कि आप हमारे कैदी हैं, कैदियों के 400 कैदी हम एक बड़ी कैद से छोड़ के छोटी कैद में ला देंगे, यही तो कह रहा है वो। कह रहा है हमारी कैद में, हमारे सोल्जर्स के अंतर्गत जो लोग आपके 400 बंद है उनको छोड़ देंगे ताकि वो वापस गाजा जा पाए और उनके ऊपर हम फिर बाहर से कंट्रोल कर पाए। तो ये तो कोई खास बात नहीं है। उसमें गाजन्स का जो, हमास का जो जवाब है,
रिटोरिकल है, उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, मगर जवाब है और उनका सोच भी इस तरीके से कि इससे हमारे सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ता है। उनके सिचुएशन को फर्क पड़ने के लिए उनको गारंटी चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको रिबिल्डिंग इंस्टेंटली होनी चाहिए। आज साइन हुआ है और 15 मिनट के बाद पहला ट्रक रसद का वहां जाना चाहिए, पहला एयर ड्रॉप होना चाहिए, पहले डॉक्टर्स की इंटरनेशनल डॉक्टर्स की फौज जानी चाहिए ताकि जाके लोगों की तीमारदारी कर पाए। ये सब इसके गारंटी तो कोई दे नहीं रहा है, अभी बात ही बात कर रहे हैं। मगर दूसरी बात मैं कहना मांग रहा था, एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, कि जो मैंने अभी आपको बताई कि इसराइल मांगता है टू कंटिन्यू द सीज ऑफ गाजा, बॉम्बिंग 15 मिनट के लिए रोक दो मगर सीज जारी रखो। और ये मेरा कहना भी नहीं है, ये उन अमेरिकन स्कॉलर्स का, एकेडमिक का, पुराने जर्नल्स का कहना है जो इसको घंटे ब घंटे मॉनिटर कर रहे हैं कि इसराइल चाह रहा है कि इसकी सीज बने रहे। और ये इसराइल का ऑफर थोड़ा सा काबिले एकदम खारिज है बस। अच्छा अच्छा, दो बातें जो अब तक हमास मजबूती से कहता रहा है, वो एक तो ये कि कैदियों की अदला बदली के बारे में बात तब होगी जब इसराइल पूरी तरह से गाजा खाली कर दे और जंग पूरी तरह से बंद हो जाए, ये टेम्पररी सीज फायर ना हो। तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसको कहीं एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, क्या कुछ है, कुछ क्या उस तरफ कोई इशारा, कोई वादा, कोई एश्योरेंस कुछ है? हमास का भी ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर तो नहीं है, इट्स अ डिबेटिंग पॉइंट, इट्स अ बार्टर पॉइंट, जो टेबल पर रख के खरीदो फरोख्त होती आपस में आधा बदली होते रहते हैं कि हम ये तैयार हैं, आप यहाँ तक कहिए। आखिर कहीं ना कहीं पे तो ये इनके वकील आपस में बात तो कहीं कर ही रहे हैं ना, फेस टू फेस कर ही रहे हैं, और उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो यकीनन हर रोज बात होती होगी कि आप क्या देने को तैयार हो, हम क्या लेने को तैयार हैं, इसके ऊपर बात चल रही है। तो ये जो रिटोरिकल बातें हैं तो है, इसको कैसे आवाज, ये थोड़ी कह कर क्या हम अच्छा ठीक है आप कल से हम बंद कर देंगे। उसके पास डिबेटिंग पॉइंट, बार्टर पॉइंट्स बहुत कम है, उसके वजूद का सवाल है, उसके लोगों के वजूद का सवाल है, और वो एक मुद्दा है मैं और आप और इसराइल और अमेरिका नहीं, जो कि अगर जल्दी से सीज फायर नहीं होता है तब भूखे मरते हैं, और सीज फायर होता है मगर उसके अंदर एड्स नहीं आती है तब भूखे मरते हैं। तो उनके लिए गुंजाइश और ऑप्शंस बहुत कम है, और उनको तभी मैं कह रहा हूँ, खुशी से कहता हूँ कि उनको उतना मत दबाइए कि फिर विस्फोट हो जाए। ये फिर विस्फोट हो जाने की बात, एक इशारा दिया है नेतन्याहू ने कि अगर ये रमजान का मौका जो है वो एक तरह से रिपीट होना हो सकता है, 7 अक्टूबर का फ्लेयर अप फिर से हो सकता है, इस किस्म की बात नेतन्याहू ने भी कही है। तो क्या क्या अब से पहले भी एक इशारा, एक ऐलान था हमास की तरफ से भी कि हम 7 अक्टूबर जैसा फिर कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? आप इतने लंबे अरसे से जंगों को भी देखते आए हैं, पढ़ा भी है, खुद भी देखी है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? और क्या जरूरी है कि गाजा से शुरू हो? अगर इसराइल के ऊपर बाकी हमदर्द देशों के ऊपर अटैक होना है, होती भी कर सकते हैं, समुद्री जहाज भी, आखिरकार वहां का कुछ हिस्सा समुद्र का इनके कंट्रोल में है, वहां से ऑनबोर्ड किसी शिप से रॉकेट आ सकता है। तो ये सोचना और ये कहना और हमास को गुनहगार रखना के 7 अक्टूबर घड़ी घड़ी रिपीट करेगा, एक उसके ऊपर तोहमत घड़ी घड़ी आप लगा रहे हैं। उसके पास इस वक्त आप खुद या तो आप मुंह से कहिए कि अभी भी हमने हमास की ताकत को पूरी तरह खराब नहीं कर पाए हैं, उसकी रसद को, उसका असला जो है वो हमारे हाथ अभी नहीं लगा है, उसका असला बरकरार है। अगर आप ये मान रहे हैं तो आप अपनी हार मान रहे हैं कि इतने 4 महीने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, और अगर आप मान रहे हैं कि आपने कुछ किया है, आपने हमास को नुकसान पहुंचाया है, तो आप जब ये कहते हैं कि हमास दोबारा रिपीट करेगा, तो फिर आप किस सोच से कह रहे हैं, उस किस बैकग्राउंड से कह रहे हैं उसको बताइए। ये नहीं कि अंग्रेजी में कहते हैं गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, कि आप कहते हैं कि हमास तो बम मारेगा ही मारेगा, ये घड़ी घड़ी कह के कोई इसमें इंटरनेशनली कोई एक्सेप्टेबिलिटी तो बढ़ नहीं रही है इसराइल की।
इस सब के दौरान अमेरिका कई बार इसराइल को कह चुका कि गाजा में उधर हिजबुल्ला से लड़ाई नहीं करना, या ये कि सीज फायर को वो मान जाए। ये इस बीच में जो अमेरिका और इसराइल के बीच में कहीं इसे रस्साकशी कहा जाए या दिखावे वाली ये डिफरेंसेस हैं, अंदर से दोनों एक ही पेज पर हैं। आप इस किस्म के जो जो चीजें कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके बीच में इख्तलाफ बन रहा है, आपको क्या यकीन आता है कि इख्तलाफ बन रहा है? क्या है अंदर की कहानी, क्या हो इसमें सकती है? उर्दू में एक शब्द है जो अंग्रेजी में नहीं है, बाइडेन नेतान्याहू से खिसाया हुआ है। हाँ, मगर जियो पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स, इजरायली अमेरिका की पुरानी रिलेशनशिप, यहूदियों का न्यूयॉर्क और वॉल स्ट्रीट पर कब्जा, उन सब को देखते हुए अमेरिकी सरकार कोई भी हो कुछ हद तक बंधी हुई है, उसके हाथ इसराइल के खिलाफ उठेंगे नहीं, ये मान के चलते हैं। मगर इसका दूसरा तरफ है, क्या इसराइल को वो दुनिया के अंत तक करेंगे? और अमेरिका का अल्टीमेटली, चाहे वर्ल्ड वॉर टू हो और उसके बाद हो, अमेरिका का सबसे बड़ा मोटिव है सेल्फ इंटरेस्ट। इसराइल की मदद भी कर रहे हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट में। अमेरिकन इंटरेस्ट जब इस हद तक पहुंच जाएंगे कि इसराइल के जो करतूते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी, तो अमेरिका अपने दोस्तों को दगा देने में भी ज्यादा देर नहीं लगाता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये असेसमेंट है, काफी सीनियर एक्सपर्ट्स का, कि जब तक अमेरिका को इसराइल की जरूरत रहेगी वो तब तक उसके साथ रहेगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो उसका धोखा देने का बड़ा रिकॉर्ड है और वो कभी पीछे नहीं हटता, तो उस हालत में तो इसराइल का जो वजूद के खात्मे की बात ईरान कहता है तकरीबन, फिर तो उस तरह जैसे हालात बनेंगे क्या? देखिए, हमास हारे या जीते, उसको हमास एक फोर्स है, एक आइडियोलॉजी है, एक सच है। उसमें कोई आदमी हार का जिम्मा लेते हुए खुदकुशी नहीं करेगा, कोई आदमी जीत का ताज पहनकर करोड़ों रुपया नहीं कमाएगा। नेतन्याहू अगर नहीं जीतता है तो जेल जाएगा, उसका पर्सनल सिक्योरिटी सेफ्टी बिल्कुल एक तरीके से फंसा हुआ है। वो क्या करेगा? ही इज अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन डीड्स, अपनी करतूतों का वो एक तरीके से शिकंजे में जकड़ा हुआ है। तो उसका वो चाहता है स्पेस सेविंग रिट्रीट किस तरीके से हो जाए, और उसके बाद वो अपनी राजनीतिक लड़ाई किस तरीके से लड़ सकता है। आज उसके जो दोस्त हैं अमेरिकन मीडिया में, सब उसको छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े अमेरिका अखबारों में। अभी भी वो लोग यूक्रेन के साथ हैं, मगर इसराइल को सिर्फ 4 महीने में एक तरीके से उन्होंने किनारे कर दिया है। अच्छा, अब आपको अब आने वाले वक्त में क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि देखिए, 145 दिन हो गए, रमजान बिल्कुल सर पर है। उधर एक एक बहुत ही दिलचस्प एक वीडियो आई है, छोटी सी, मक्का के इमाम की। उसने ये कहा कि बस यहाँ पर आए, मस्जिद में आए तो अल्लाह को याद करें वगैरह वगैरह, किसी किस्म का नारा ना लगाएं और हमास या उससे जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। तो वहां भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान भड़के ना और वहां मस्जिद में जाकर के कोई नारा ना लगाएं। जब इस तरह के एहतियात और इंतजाम किए जाने लगे हों, दुश्मन ने ही एक तरह से इन्फ्लुएंस करने का इंतजाम मुसलमानों के बीच में भी किया हो, आपको इसमें क्या लग रहा? क्या तक क्या कहां तक जा सकती है बात? सऊदी अरेबिया और उनके नायब सदर का क्या कहना है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में? मगर उनका भी पुराना रिकॉर्ड है, अगर उन दो मस्जिदों में किसी ने चू भी की तो एक चू के ऊपर 50 गर्दनें काटी जाएंगी। पहले काटी है उन्होंने, नहीं कत्लेआम एक तरीके से किया, जब वहां पर कोई उन्हीं के लोग मस्जिद को कैप्चर तो क्या कर रहे थे, मगर नारेबाजी तो कर ही रहे थे। तो मस्जिद के हेड का जो हेड तो राजा खुद ही हैं, मगर जो केयरटेकर का जो कहना है वो क्या कह रहा है? वो मस्जिद में आके तो कौन अल्लाह मचाएगा, अपने हाथ धो रहा है कि हमको जरा बख्शी इस वक्त। क्योंकि ये मैंने बयान पूरा शायद अरबिक में आया होगा, मेरे नज़र से नहीं दौड़ा है कि किस वजह से कह रहे हैं। क्या पैलेस्टीन की हिमायती
क्या लेफ्टिस्ट मुसलमान जो मक्का गए हैं हज के लिए, अगर वो हज के बाहर कुछ हल्ला मचाते, उनको वार्न कर रहा है या कह रहा है कि वहाँ से रेफ्यूजी आए वो सऊदी में आके हल्ला ना मचाए? कोई बात मेरे को कोई खास लग नहीं रही है, क्योंकि उन मस्जिदों में जो सऊदी में है वहाँ तो नमाज के अलावा, खुतबा सुनने के अलावा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। और खुतबा भी उनकी उनकी मिनिस्ट्री से लिखा हुआ आता है, ये सेंसर्ड खुतबा होता है। अच्छा अच्छा, इस बीच में एक खबर आई है वॉशिंगटन से, जिसमें एक अमरीकी पायलट ने इजराइल एम्बेसी के सामने सेल्फ इमोलेशन, खुदकुशी कर ली ऑन कैमरा। मैंने देखा वो, मैंने उसको देखा और एकदम मेरे को याद आया वियतनाम में, उसके बाद थाईलैंड में दो बुद्धिस्ट मंक्स ने खुदकुशी की थी लड़ाई के खिलाफ। ये सोल्जर सर्विंग था, रिटायर्ड नहीं था। जी, इसको आप कह सकते हो कि स्ट्रेस था या ट्रॉमा था, मगर वो मरते मरते उसके आखिरी सांस से चिल्ला रहा था कि मैं इस खूंखार जंग में शरीक नहीं हूँ, मैं इस जीनोसाइड में शरीक नहीं हूँ, अपनी आखिरी सांस से ये चिल्ला रहा था। हम सबको शर्म आनी चाहिए, इसराइल को तो डूब जाना चाहिए। और उसका जो ये सैक्रिफाइस है वो तो हम सबों के लिए, पीस लवर्स के लिए मार्टर है, चाहे हम ईसाई हो या मुसलमान हो या यहूदी हो, जो भी शांति प्रिय लोग हैं, हमारे लिए एक तरीके से मार्टर ही, और क्या हो सकता है। तो उसका ये खून बेफायदा नहीं जाएगा, कुछ इसका भी असर होगा अमेरिकन महिलाओं पर, अमेरिकन माओ पर, उनके एक सर्विसमैन पर, उनकी थिंकिंग पब्लिक पर, जो वैसे भी इसराइल के खिलाफ हल्के 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 होते जा रही थी, वो उनके ऊपर इसका बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ट्रेजिक था वो, मैं उसको बिना स्क्रीन के देखा मैंने, बहुत ट्रेजिक। जी जी जी, उसे देखना देखना भी खुद अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर इतना इतना बड़ा प्रोटेस्ट अपनी जान को दे देने वाला उसने किया है। अच्छा, अब भारत के मीडिया के बारे में आप क्या, आपकी क्या राय है? अब इस जंग के सिलसिले में जो कुछ भारत का मीडिया कह रहा है, क्या आपको आपको कुछ रुख में तब्दीली, नरमी, इसराइल जीत रहा है, हमास को खत्म कर देगा, अब उस किस्म की बातें कुछ ज्यादा सुनने में नहीं आ रही हैं? अब ये क्या अपने आप को शर्मिंदगी में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? मीडिया को क्या कहें, मैं और आप भी मीडिया में शामिल हैं, तो उनके जब हम पोल खोलते हैं तो एक तरीके से अपने आप पर भी थोड़ा सा शर्म शर्म ला रहे हैं, पर यह होते हुए भी हमारा फर्ज है बताना कि हिंदुस्तानी मीडिया का जो पावरफुल मीडिया है, खासकर वो मीडिया जो सरकार के अंतर्गत में है और जो अमानती और अदानी साहब के अंतर्गत है, जिसका मतलब है 99% मीडिया, वो प्रो इसराइल है, इसमें मेरे को कतई शक नहीं। और ये छोटी छोटी चीज़ों से भी पता लग जाता है, जैसे इसराइली एम्बेसी पे क्या हो रहा है और क्या हो रहे हैं, और इसराइल की कहाँ तक का साइंटिफिक अचीवमेंट्स रही हैं। इसराइल अखबारों से हटा नहीं है, इसराइल का गाजा स्ट्रिप का एक्शन थोड़ा सा छिपाया गया है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि छिपाया भी एक तरफा ही गया ना। ऐसा तो नहीं है कि इसराइली एक्शन को कम करके आप गाजियंस की ट्रेजिडी को बता रहे हो, वहाँ की भुखमरी को बता रहे हो, वहाँ कितने पत्रकार मारे गए उसको बता रहे हो, कितने बच्चे का कत्ल हो गया उसको बता रहे हो, इंटरनेशनली अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में कितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए, वो अभी भी गायब हैं। उनका हिंदुस्तानी अखबारों से अगर आप यूट्यूब पर ढूंढना मांगे गूगल में तो नहीं मिलेगा आपको, अमेरिकन ज़्यादा मिल जाएंगे, ब्रिटिश ज़्यादा मिल जाएंगे, लंदन टाइम्स और बीबीसी मिल जाएंगे, मगर आपको दूरदर्शन नहीं मिलेगा। तो ये तो हम लोगों के शर्मिंदगी की बात है। और इसमें दूसरी भी बात है एक तरीके से कि हम इंडिया के पास सेकेंडरी सोर्सेज ही हैं, ये एजेंसीज अभी भी लॉन्ग टर्म वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स 80-90 के बाद पैदा नहीं कर पाई है। कारगिल में कुछ गए थे, वो भी बहुत कम, सरकार ले जाती थी 200 किलोमीटर दूर ब्रीफिंग करा के छोड़ देती थी, इक्का दुक्का एक्सप्रेस का या कोई जाके फ्रंट से रिपोर्ट करता था और उसको भी हफ्ते बाद निकाल दिया जाता था। हमारा कोई भी डमास्कस में, लेबनान में, बेरूत में, सीरिया में,
और इसको दूर छोड़े टर्की में भी इंग्लिश स्पीकिंग और इंटरनेशनल दर्जे का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। टर्की में कुछ हिंदुस्तानी रहते हैं मगर उनको दूरदर्शन का या उनके लेख यहाँ पे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं छपते। कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ वाया ट्रांसलेशन, वो लिख भी अब या तो अरबिक में लिख रहे हैं या उर्दू में लिख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तानी मीडिया का अभी आज तो बड़ा बुरा हाल है और अब उनका पूरा ध्यान इलेक्शन की तरफ है। मोदी जी चाहे समुद्र के नीचे बैठे हों या कहीं बैठे हों उनको कवर कर रहे हैं, परसों से कॉस्मोनॉट्स को कुछ दिन तक कवर करते रहेंगे। जो भी हमारा खुद का हिंदुस्तानियों का ध्यान बटाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। इनका इंटरेस्ट फिलिस्तीनियंस की ट्रेजेडी में, यूक्रेनियंस की ट्रेजेडी में, रशियंस की ट्रेजेडी में, किसी की ट्रेजेडी में जीरो है। हम तमाशबीन हैं, किसी के दर्द में शरीक हम नहीं होते हैं। अब केरला का मीडिया जो मेरे घर हमेशा टीवी चलता रहता है, अगर दुबई में एक नर्स का एक्सीडेंट हो जाए उसकी ज़्यादा कवरेज करेगा क्योंकि वो मलयाली नर्स है। अगर यहाँ पर इसराइल में हिंदुस्तानी जा रहे हैं 30,000 कहते चले गए, ज़्यादातर बिहारी और यूपी के हैं, मलयाली नहीं है क्योंकि उनको पता है मौत के मुँह में क्यों जाएंगे और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा है कि उनके लिए ठीक हो। मगर अगर मलयाली जाते और एक को भी चूँ हो जाती तो मलयालम मनोरमा, मातृभूमि, ये सब इनका एक एक कॉरेस्पॉन्डेंट जाके कवर करता, इंटरव्यू करता, फैमिली से इंटरव्यू करता, वो सब आजकल गायब है। तो ये बहरहाल हमारे मीडिया की तो इंटरनेशनल अफेयर्स की कवरेज तकरीबन CNN, रॉयटर्स, BBC उन्हीं के हाथ दी हुई है और उनकी आंखों से ही हम दुनिया को देख रहे हैं और उसी वजह से लगता है कि वो सही सही बात नहीं पहुंच पाती। आप इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि CNN इम्पोर्टेंट है मगर CNN अमेरिका के बाहर ज़्यादा देखा जाता है। अमेरिका के अंदर ABC, NBC बहुत लोकल जो नेशनल टीवीज हैं उनको मैं जिक्र जब कर रहा था आपको, उनमें देखने को मिलता है क्योंकि CNN अभी भी अपने आप को एक प्रो इज़राइल मान के चलता है। उसमें कुछ इक्का दुक्का कमेंटेटर्स जोड़ लगा लेते हैं मगर ज़्यादातर का कमेंटेटर्स चाहे वो काले हों या वाइट हों वो अभी भी टोटली इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे हैं। तो जो नेशनल टीवी स्टेशन हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, सैटरडे लाइव, लेट नाइट, इन शोज का बहुत महत्व है वहाँ पर और उनके ऊपर मेरा ख्याल है आज गाजंस का ट्रेजेडी त्रासदी ज़्यादा दिखाई जा रही है। और ये बात आपने बहुत ही अहम बताई कि अब वहाँ का मीडिया भी जो इसराइल को काफ़ी एक तरह से सपोर्ट करता था उसने भी इसराइल को छोड़ दिया है उसके हाल पर। तो अभी स्टेजेस में शायद मरहलेवार जिसे कहते हैं कि वो जो दोस्ती और ताल्लुक और पसंद वो शायद वक्त के साथ साथ बदलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जंग कब तक चलेगी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये एक अटकल है कि रमज़ान से पहले ये जंग रुक सकती है लेकिन क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमास के लिए कोई तैयार रखा है कि अगर ये नहीं माने तो दूसरा कुछ हम मनवा लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें समय दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।